एक ऐसा गेम जिसका ट्रेलर 2012 में आया था और भाई गेमर्स इस गेम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2013 में जब GTA 5 लॉन्च हुआ तो भाई उस गेम का जो कॉम्पिटिटर था वो इस गेम को समझा जा रहा था। इस गेम का नाम है भाई साइबरपंक। भाई साइबरपंक गेम लॉन्च हुआ तब भाई लोगों को भाई इस गेम से जितनी उम्मीद थी ये गेम वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था इसके ग्लिच और इसके बग्स। और भाई इसी चीज को लेकर आज हम डिटेल में बात करेंगे। सो भाई साइबरपंक गेम है वो 2012 में इसका पहला ट्रेलर आया था और ट्रेलर आने के बाद भाई इसके बीच में काफी सारे भाई कंपनी ने गेम प्लेस और जो है रिव्यूज वगैरह दिए। काफी सारी इसकी छोटी छोटी क्लिप्स है वो यूट्यूब पर डाली और इससे गेम की हाइप बहुत ज्यादा बढ़ गई। इससे लगने लगा कि ये GTA 5 का कॉम्पिटिटर गेम है और इसका ट्रेलर आने के बाद भाई बेसब्री से लोग इस गेम का इंतजार कर रहे थे कि भाई ये गेम आएगा तो भाई वो इसे खेलेंगे। भाई ये गेम जब लॉन्च हुआ 2020 के दिसंबर में तो भाई इसकी जो डेट्स थी उनको काफी ज्यादा डिले किया गया था और जिसकी वजह से भाई जब ये गेम लॉन्च हुआ इसे जो है सही तरीके से भाई इसे सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया था डिवाइसेस के हिसाब से, जिसकी वजह से भाई इस गेम के अंदर कुछ ग्लिच और बग्स आ गए और वो भाई बहुत सारे पीसीज में आ गए और बहुत सारे गेमर्स को भाई वो ग्लिच और बग्स फेस करने के लिए मिले, जिसकी वजह से भाई गेमर्स ने इसका काफी नेगेटिव किया भाई और जिसकी वजह से भाई इस गेम की जो हाइप थी जितनी ज्यादा बढ़ी थी उतनी ही जल्दी से नीचे करने के लगी। और भाई इस गेम की स्टोरी भाई वो काफी सही है, मुझे काफी ठीक स्टोरी लगी। और मुझे दूसरी चीज जो है भाई वो इस गेम की लगी वो है भाई इसका गेम प्ले। मैंने जब इस गेम को खेला भाई तब इसमें आप जैसे गन से शॉट मारते हो तो एक हेड शॉट एक बंदा डाउन, ऐसा नहीं है भाई इसका गेम बिल्कुल भी अलग है। ये आपकी गन की कस्टमाइजेशन पर डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसमें हेडशॉट की बजाय अगर बॉडी शॉट मारोगे तो बंदा मर जाएगा, हेडशॉट से इस गेम में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी भाई, क्योंकि आप अगर थोड़ा एम कर हेड पर एम बना रहे हो या किसी ऐसे बॉडी पार्ट पर एम बना रहे हो जिससे भाई बंदा जल्दी मरना चाहिए और वो जल्दी नहीं मरता है तो गेम काफी थोड़ा बहुत इरिटेटिंग और अनरियलिस्टिक लगने लगता है, जिस वजह से भाई इस गेम की जो शूटिंग मैकेनिज्म था वो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। लेकिन हाँ इतना भी बुरा नहीं लगा कि भाई उसे बिल्कुल भी बेकार बता दिया जाए। हाँ भाई शूटिंग अच्छी नहीं है लेकिन भाई उसकी गन्स काफी पसंद आई मुझे और गन्स को रिलोड करने का जो तरीका वो मुझे काफी सही लगा। सो बाकी वो जो प्रॉब्लम थी वो हेडशॉट से बंदा नहीं मरता है वो मुझे थोड़ी बहुत अजीब लगी और इतना मुझे उसमें मजा नहीं आया कि भाई बंदे को हेडशॉट मार रहे हैं तो हेडशॉट से बंदा नहीं मर रहा है। बाकी जो इस गेम की कस्टमाइजेशन थी और जो अपग्रेड्स थे वो मुझे काफी अच्छे लगे। और जो है भाई गेमर्स के बारे में बात बताएं, अगर मेरे पर्सनल रिव्यू की बात बताएं तो भाई काफी सारे मैंने इसके बारे में रिव्यू देखे, काफी बारे इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, पढ़ा मैंने इस गेम के बारे में, तो भाई इस गेम के ऊपर भाई गेमर्स ने मिक्स्ड रिव्यू दिए हैं। काफी सारे गेमर्स ऐसे बोलते हैं कि ये गेम काफी सही है, इसे आप खेल सकते हो, और काफी सारे गेमर्स ने भाई इस गेम को बहुत बुरा बताया है। तो इस गेम के ऊपर मैक्सिमम मिक्स्ड रिव्यू है और भाई बहुत से लोग हैं वो भाई इस गेम को बहुत ही ज्यादा अच्छा भी बता रहे हैं, कुछ गेमर्स ऐसे हैं वो इसे बहुत ही ज्यादा बुरा बता रहे हैं। लेकिन भाई मैं अपना पर्सनल रिव्यू बताऊं तो मुझे ये गेम लगा कि आप इसे खेल सके हो, इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। हाँ और कोई भी गेम बनाया जाता है वो एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है, लेकिन भाई इस गेम में ग्लिच और बग ना हो तो भाई ये गेम काफी सही है। लेकिन मुझे इस गेम में एक प्रॉब्लम और लगी कि आप इस गेम को थर्ड पर्सन कर नहीं खेल पाते हो, स्टार्टिंग से आपको कुछ फाइल इंस्टॉल करने पड़ती हैं और जिसकी वजह से आप बाद में इसे थर्ड पर्सन कर सकते हो, वो मुझे थोड़ा इरिटेटिंग लगा, वो चीज मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी। और आपका इस गेम के प्रति क्या रिव्यू है वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, या आप इस गेम को अच्छा मानते हो या बुरा मानते हो। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, थैंक यू फॉर कीप।